आदिवासी समुदाय के अंतर्गत आदिम जनजाति के पीटीजी कोरवा जाति के आवास विहीन को सरकार द्वारा विरसा आवास योजना के तहत आवास देने की व्यवस्था है। आइए हम मिलते हैं पलामू जिला चैनपुर प्रखंड पंचायत नवाडी ग्राम सरहुआ के सुरेंद्र कोरवा एवं उनके समुदाय जो वर्षों से खंडहर नुमा सुविधा रहित कॉलोनी में रहने के लिए विवश हैं। ये पेड़ लगौले ही आम के पेड़ दिन भर कैसो ये पेड़ तर गुजर करीला धूप के मरल कॉलोनी में तो बर्दाश्त नहीं होए रहेला। बड़ी गरम और छोटे छोटे रूमे बा उन्हें आदमी के रह लायक भी नहीं थे का उन्हें बर्दाश्त हो। रात में तो वह कुछ खाना दाना खा के जब कुछ ठंडा हो जाला तो कुछ गरम ये सब पका सब कुछ ठंडा हो जाला तो वह ऊपर में छत में चढ़ के कैसे सुतीला ओकरो में सार चेंगा सब गुड़मुड़ा के नीचे गिर जालन। एक तो सयाने गिर गईलक सुकर डाँडे गोर बहुत टूट गए रहे बहुत दिन में तो सुई दवा करते करते वो सब ठीक हुई लग। कितने सालों से आप लोग इस कॉलोनी में रह रहे हैं? ना तो याद नहीं थे कि कौन साल में बनल रहे लेकिन बहुत पुरान हो गई लग। संसाधन तो बहुत से अमन के कमी बा ना यहाँ पानी के व्यवस्था बा ना कुछ नहीं मैं लेटरिन सेटरिन तो हमन करी ला तो ढेर दूर चल जाइला उन्हें एक किलोमीटर दूर चल जाइला तब पानी मिला ला। राशन तो महीना महीना में 30 किलो मिला ला तो कुछ दिन खाइला उकर बाद तो ऐसे ही भूखे रह जाइला। यहाँ कुछ हमन के रोजगार ना खोजगार कुछ नहीं बाल बच्चा ना पढ़ावे लिखा प्रति भुखमरी से और हमन कहाँ से बनावे पर्व हमन मुखिया सुखिया सरपंच अवलन तो सब उस सब के बताई ला दिखाई ला तो कहाँ ज्वाला हो जाए हो जाए हो जाए ऐसे सांत्वना तो कहते रहलन लेकिन अभी तक कुछ नहीं से होइला। अब कॉलोनियों अब गिरे के दशा में हो गए सब पाया या तो छटकिए जात बा ऊपरे सभी सब छाड़ ओढ़ के एकदम छोड़ देवत बा अब सारी हो ढह जाए कि का हो जाए अब तो कोई ठीक नहीं खेला। आप सभी वीडियो देखने वाले तमाम दर्शकों से निवेदन पूर्वक आग्रह करती हूं कि आप हमारे चैनपुर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी विपिन कुमार दुबे को जिसका संपर्क नंबर 7739081001 पर कॉल कर उन पर दबाव बनाएं ताकि हमारे ग्राम सरहुआ के आदिम जनजाति पीटीजी कोरवा समुदाय के लोगों को बिरसा आवास स्वच्छ पेयजल सोलर सिस्टम द्वारा जलापूर्ति व्यवस्था एवं बीपीएल सूची में नाम दर्ज किया जाए। मैं महिमा भेंगरा पलामू झारखंड से सामुदायिक पत्रकार इंडिया अनहर्ट के लिए।